जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली, जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी, कभी चाबुक कभी चॉकलेट, कभी रौनक कभी धक्कमपेल, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, but always remember, life में कुछ भी हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर नारायण मूर्ति अपनी लगन और परिश्रम से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 13 साल की उम्र में अपने परिवार की देखभाल करने वाली लता मंगेशकर अगर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब पा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर अपना ग्रस्त जीवन संभालती एक माँ मैरी कॉम 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। याद रखिए कि आपके सपने किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निश्चय भाव और संघर्ष से पूरे होते हैं, और इन्हीं सपनों को सेलिब्रेट करता है द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। माँ बाप जब बच्चों को जिंदगी में कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं तो हमेशा किसी साधारण व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनाते हैं। बचपन में तो इन कहानियों से मन बहलता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कहानियां हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाती हैं और वो शख्सियत बन जाते हैं हमारे आइडल। हम सबके जीवन में एक आइडल होता है जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, वही शोहरत या रुतबा पाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन कहानियों का सिर्फ अंजाम देखते हैं, उसकी शुरुआत नहीं। दुनिया की चकाचौंध में हमें कामयाब इंसान का संघर्ष नहीं दिखता, उसके महंगे कपड़ों के नीचे धूप में तपा शरीर नहीं दिखता, जिस मुकाम पर आज वह पहुंचे हैं उस मुकाम का चुकाया मुआवजा नहीं दिखता। दोस्तों, मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वो अमीर थे, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है तो मैं अपने पिताजी का नाम लूंगा, क्योंकि मैंने उनके जीवन के संघर्ष से प्रेरणा ली है। फिर चाहे वो कश्मीर से निकल के एक नया जीवन बनाने का संघर्ष हो या परिवार के अच्छे पालन पोषण का। जब मैं फिल्म जगत में अपनी पहचान ढूंढ रहा था तब उनका संघर्ष मेरा आदर्श बना। अपने संघर्ष की तकलीफ को जब मैं अपने पिताजी के संघर्ष से तोलता हूं तो मुझे अपनी परेशानी बहुत हल्की लगती है। अगर अपनों का संघर्ष ढाल बन के आपको सफलता दिला सकता है तो याद रखिए, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं उनकी कामयाबी बेमिसाल है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे का संघर्ष भी अद्भुत है। भारत के कुछ खास रत्नों में इनका नाम भी शामिल है। अगर क्रिकेट एक रणभूमि है तो ये उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया को अपना प्रशंसक बनाने वाले, प्लीज वेलकम युवराज सिंह। पहले तो सारी दुनिया की तरह मैं आपका फैन हूं, हैं? अब पता नहीं आप मेरे फैन हैं कि नहीं है, बोल भी नहीं रहे। मैं कहा आप खत्म कर लो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, आप बताओ। आपके फैन तो बचपन से ही है जी, आपकी फिल्में देखते आ रहे जैसे जैसे बड़े हुए हैं। सो इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। युवराज, आपने एक फिल्म में काम किया है जी, उस फिल्म की ना ही बात करें यहाँ तो अच्छा है। अच्छा। पर मैंने सुना है ये एक पंजाबी फिल्म में आपने काम किया था, आप उसमें दौड़े थे कुछ। हाँ जी, वो दौड़ने वाला सीन भी मैंने डायरेक्ट किया था, मैंने ही बोला था कि मैं दौड़ूंगा और गिरूंगा। अच्छा। तो क्योंकि स्कूल में कुछ अच्छे नंबर आते नहीं थे, खेल में बिजी थे, तो फादर ने बोला कि चल तू आके मेरे बच्चन भी एक्टिंग कर दे। तो मैंने कहा चलो कुछ अलग ट्राई करते हैं। So, वो केस था। और उसके बाद कभी सोचा नहीं कि एक्टिंग करनी चाहिए? नहीं, आई थिंक छोटे होते से खेलने का बहुत शौक था। हाँ। और एक्टिंग का भी शौक है, पर एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं करता।
क्या क्या गेम्स खेलते थे आप? छोटे होते आई थिंक सब गेम्स पसंद करता था, फुटबॉल, टेनिस, थोड़ा बहुत क्रिकेट, स्केटिंग का बहुत शौक था. हाँ, मैंने सुना कि स्केटिंग, आप स्केटिंग के चैंपियन बनना चाहते थे या थे? अंडर 14 गोल्ड जीता हूँ मैं. अच्छा. और काफी अच्छा था स्केटिंग में. क्रिकेट से सख्त नफरत थी उस टाइम. अच्छा. आई वाज 11 इयर्स ओल्ड. क्यों नफरत क्यों थी? धूप में कौन खेले इतनी धूप में, स्केटिंग में छाओ एसी चल रहा होता था. भगवान ने कहा आजा बेटा अब पूरी जिंदगी तेरे को धूप में खिलाऊंगा, ऐसे ही कुछ हुआ. पर स्केटिंग में यू वर अंडर 14 चैंपियन, गोल्ड जीता था. आई वन अ फ्यू टूर्नामेंट्स अंडर 14, यस. अच्छा. पर आपके पिताजी को स्केटिंग गेम पसंद नहीं थी, नफरत थी उनको. वो कहते थे कि लड़कियों की गेम है. लड़कियों की गेम है कहते थे कि ये लड़कियों वाली गेम है, अगर मत बनना तो क्रिकेट खेल. अच्छा. तो बहुत से इंसिडेंट्स हुए जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे अपने बचपन के. जैसे? जैसे कि अगर 5 दिन स्केटिंग करता था तो सैटरडे संडे मुझे ग्रेड खेलना पड़ता था जो मैं पसंद नहीं था. और वो सारा दिन ग्राउंड पे धूप में रहना मुझे पसंद नहीं था क्योंकि याद नहीं थी. और सॉकर खेलने का शौक था, टेनिस खेलने का बहुत शौक था. टेनिस में भी बहुत अच्छा था. लेकिन एक दिन आपके फादर खुद क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं. जी, मेरे फादर इंडिया के लिए खेले, इंडिया के लिए खेले और काफी देर खेले नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूं, फास्ट बॉलर बनूं. अच्छा. जिसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़नी थी. और बस वो यही चाहते थे कि मेरा बेटा. पर आप मेहनत करने से नहीं घबराते थे, आप धूप में नहीं खेलना चाहते थे? हाँ, मतलब बहुत छोटा था मैं, मुझे धूप में खेलना इतना अच्छा लगता था. तो धीरे धीरे आदत सी बनी. पर मैंने सुना आपके पिताजी आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर पानी फेंक देते थे और जगाने के लिए आपको. मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया है, कोई बाप ने बच्चे के साथ ना ही करे तो अच्छा. लेकिन आई थिंक वो रीजंस भी हैं कि आज मैं इतने साल इंडिया के लिए खेला हूं, तो आई थिंक क्रेडिट भी उनको ही देना चाहिए. नहीं, दैट्स वो तो इसका मॉरल तो वो है कि क्रेडिट उनको देना चाहिए. पर जब ये हो रहा था आपके साथ तो आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? नहीं, मेरे को एक्चुअली अपने फादर से बहुत नफरत थी उस टाइम. आई डिडंट लाइक व्हाट ही वाज डूइंग टू मी. और आई ऑलवेज फील के किसी भी अपने बच्चे को कभी भी जबरदस्ती कोई चीज नहीं करानी चाहिए. जो बच्चे का मन करे उसको वो करना देना चाहिए. बट मे बी आई वॉज डेस्टिन टू प्ले द गेम, दैट्स व्हाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुए. पर आपकी मदर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया आपके ग्रोथ में एज ए पर्सन, आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन. उन दिनों उनका क्या रिएक्शन होता था? उनकी ज्यादा नहीं चलती थी? आई थिंक मदर का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा है. बिकॉज उन्होंने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए. उस टाइम पर उन फादर के सामने ज्यादा चलती नहीं थी. वो बोलते थे मेरे फादर को कि तुम मेरे बच्चे को मार डालोगे. तो मेरे फादर कहते कि तुम बीच में बताओ, अपना खाना पकाओ. So it was quite bad at some time. आपके पापा short tempered इंसान है. मेरे पापा उनको आप उनसे ही पूछो. अच्छा, आए हुए? नहीं, कहीं तो ये शो देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा बेटा तो मेरी बुराई कर रहा है. बुराई कर रहा है. नहीं, because no, थोड़ा temper है मेरे फादर का, थोड़ा से ज्यादा temper है. अच्छा. मेरे फादर को हिटलर बुलाते थे जब वो मेरे साथ जिस तरह really? बिहेव करते थे, सब कहते थे ये इसका बाप तो हिटलर है, इसको अपने बच्चे को मार देगा. Are you also an angry person? I used to be an angry young man. मैं क्रिकेट की फील्ड के ऊपर कह रहा हूँ. जब आप जल्दी आउट हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो बैट पटकते हैं या चेहरे पर दिखाते हैं, आपको वैसा होता है? मैं छोटे होते बहुत गुस्सा, बैट वैट फेंक देना आके. अच्छा. बैट तोड़ देना आके, बहुत गुस्सा करना. एक बार ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आउट हुआ तो बैट वैट तोड़ दिया आगे. अगले दिन सचिन ने मुझे बोला कि ये जो बैट तू फेंक रहा है ना, इससे घर में खाना आता है, तो आज के बाद ये बैट मत फेंकियो, रिस्पेक्ट करना है इसको. सबसे आज तक बैट नहीं फेंका. एंड आई ऑलवेज रियलाइज जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कि अगर आदमी अपने एंगर और ईगो को कंट्रोल कर सकता है, सो ही डेफिनेटली कैन बी अ बेटर पर्सन. तो आप क्या करना चाहते थे उन दिनों जब when you were going through this rigorous lifestyle at home?
यंग बच्चों की तरह घूमना, यू नो, इधर तफरी करना, उधर तफरी करना. मेरे कजन्स बहुत से हॉलीडेज करते थे. मेरे को अपने कजन के साथ अलाउड नहीं होता था जाके हॉलीडे करना. सो आई वाज जस्ट अलाउड हाफ एन आवर टू गो एंड मीट माय फ्रेंड्स. और एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि एक घंटा में नहीं आया बिकॉज आई वाज एंजॉयिंग माय फ्रेंड्स कंपनी सो मच कि उन्होंने, मेरे फादर ने जहाँ हम बैठते होते शाम को वो जगह भी ढूंढ ली और वहां पर आके मुझे बोला चलो घर. तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए. बेसिकली एक यू नो स्कूल के जो लड़के या कॉलेज गोइंग बॉयज हु आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, मेरी वो ऐसी लाइफ नहीं थी. ये सब चंडीगढ़ में हो रहा था जी. अच्छा, तो मतलब आपके पास उस जमाने में फिर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता होगा. लड़कियों के लिए तो अभी भी टाइम नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, अब लड़कियों के पास बहुत टाइम है आपके लिए, उसकी उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है. बट पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे इस दौरान? नहीं, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, लेकिन आई वॉज स्टडिंग इन डीएवी कॉलेज. डीएवी कॉलेज में कॉलेज और क्रिकेट हमारा बहुत पॉपुलर है. तो जो भी इंटर कॉलेज जीतता था इट वाज बिग थिंग उन दिनों, अभी भी है. और डीएवी कॉलेज माय फादर हैज बीन कोच, अभी नहीं है, बीन कोच फॉर लाइक 10-15 इयर्स. तो एक प्राइड था जीतना. तो एक दिन मैं क्लास अटेंड करने चला गया कॉलेज, तो मेरे प्रोफेसर ने बोला कि बेटा आप जाके इंटर कॉलेज जिताओ, मार्क्स बस एग्जाम देने आ जाना. तो आपने जिताया था? तीनों साल जी. एंड देन आपकी हिंदुस्तान की टीम में आपकी एंट्री कौन से साल में हुई? लास्ट ईयर हुई. आई थिंक आई मिस द लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज बिकॉज आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया. अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई में कुछ शौक वॉक था कि बिल्कुल? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल. मेरे को बस यही था कि मैं भगवान को याद करके पास हो जाऊँ बस किसी तरह. और भगवान ने हमेशा पास कर दिया था? हाँ, मतलब जितनी बार फेल हुआ वो मेरी गलती थी और जितनी बार पास हुआ भगवान की, वो मेरे दोस्त आस पास जो बैठे थे उनकी 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 गुड विशेस थे, उनकी आपकी नजर अच्छी थी. मैं और मेरा एक दोस्त था विजय सहगल, अभी भी मेरा दोस्त है. तो हम, उसकी और मेरी हैंडराइटिंग बहुत मिलती थी स्कूल में और मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था. तो 5 में से 3 सवाल उसके मैं करता था और 5 में से 2 सवाल वो करते थे, हम अपने एक्सचेंज कर लेते थे. तो वैसे तो मैंने पढ़ाई ऐसे ही कुछ मैंने किया था. और मैं क्रिकेट में हमेशा 12वां खिलाड़ी होता था अपनी टीम में. अपने मेरा चाय वाय ले जाता था, बड़ा चमचा किस्म का लड़का था मैं, समोसे चाय वगैरह पूरी टीम को देता था. बट मुझे याद है मैं नागपुर में था तो सरदेसाई, अपना दिलीप सरदेसाई एंड एमएल जसिमा, ये कोई मैच खेल रहे थे नागपुर वर्सेस विदर्भा. तो मैंने ऐसा किया तो मैंने कैच कर लिया था. तो मुझे उस समय लगा था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बन जाऊंगा. तो मेरे हाथ में आ गया था, मैंने आई डोंट नो, और मैंने खुशी से मैंने रोना शुरू कर दिया था. क्या आपका जो थॉट प्रोसेस था वंस यू आपने जब हिंदुस्तान के लिए खेलना शुरू किया, तो आपका रोल मॉडल कौन थे क्रिकेटर्स के, क्रिकेटर्स में से? छोटे होते से ही मेरे रोल मॉडल has been Sachin Tendulkar. I mean, करोड़ों हजारों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं वो. लेकिन उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी, उनका द वे ही अप्रोच इस गेम. छोटे होते से मुझे उनका खेल बहुत पसंद था. और इसके बावजूद मैंने सुना है कि जब आपके पिताजी आपको सिद्धू साहब के पास लेके गए, नवजोत सिंह सिद्धू के पास लेके गए, और उन्होंने कहा था, करेक्ट मी कि मैं सही बोल रहा हूँ, कि आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, ऐसा है? YPS पटियाला में एडमिशन हुई मेरी, वहाँ पर मैं खेलता होता था. तो मिस्टर सिद्धू जब भी अपने इंडिया के लिए खेलते, घर वापस आते थे, तो थोड़ी देर मेरे को उन्होंने, मेरे फादर ने बोला कि इनको देखो. तो आई थिंक व्हेन ही वाज वाचिंग मी बैट, तो मैं 3-4 बार आउट हो गया. तो कुछ कितने, क्या उम्र थी आपकी तब? 11-12. हाँ, नॉट अबाउट दैट टाइम. तो उन्होंने बोला कि ये अभी जैसे कि बहुत छोटा है, आई डोंट थिंक ये क्रिकेट खेल पाएगा, बिकॉज उस टाइम मालूम नहीं होता कि 12-13 साल का बच्चा क्या करेगा. और उनको लगा कि ये अभी इज नॉट गुड इनफ टू प्ले क्रिकेट. तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप इसको ले जाओ, आई डोंट थिंक ही कैन प्ले क्रिकेट. तो मेरे फादर मुझे ले गए YPS, उन्होंने बोला कि अब मैं देखता हूँ तू क्रिकेट कैसे नहीं खेलता. अच्छा, सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एक्चुअली. बट उन दिनों व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, टेलीविजन पर जो क्रिकेट का स्टार्डम था वो चुका था शुरू? हाँ, आई थिंक उस दौरान लॉट ऑफ चेंजेस वर कमिंग इन द इंडियन क्रिकेट टीम. और
जिस टाइम मैं खेलना शुरू किया उसके शायद एक दो साल पहले क्रिकेट बिकेम बिग कमर्शियली. एंड व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग, जब आपने बहुत पैसा कमाना शुरू किया क्रिकेट से, व्हाट चेंज्ड इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल जो आपकी चेंज हुई, असली में क्या चेंज हुआ? आई रिमेंबर कि जब मेरा फर्स्ट चेक आया था, जब मैं इंडिया के लिए खेला था, तो मैंने उस चेक से अपनी मदर के लिए घर खरीदा था. अच्छा. सो दैट वाज माय एम के जिस दिन, बिकॉज माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड, साथ में नहीं रहते थे. आपकी उम्र क्या थी जब आपके पापा मम्मी का डिवोर्स हुआ था? आई वाज 15 और 16. आपके पास चॉइस थी कि आप किसके साथ रहेंगे? आपके फादर इतने पोजेसिव थे आपके बारे में, आपके गेम को लेकर, ऐसा नहीं लगा उनको कि आप उनके पास रहने चाहिए? फादर के पास मैं इसलिए रहना नहीं चाहता था बिकॉज मेरी लाइफ बहुत हार्श थी. और मुझे जो यू नो फैसिलिटीज दी जाती थी वो सिर्फ गेम के लिए थी, और उसके अलावा आई वॉज नॉट पैम्पर्ड एट ऑल. सो आई डिडंट वांट टू लिव विद माय फादर. But because my mother could not afford me at that time, I had to go and live with my dad. और आपके brother? मेरे छोटे भाई उस दौरान उन्होंने actually मेरे से ज़्यादा struggle किया उस moment में. वो थोड़े time मेरे father के साथ थे और उसके बाद फिर मेरी mother के पास चले गए. आपके life में क्या change हुआ उस separation का? I think that time when I used to see my parents fighting, I never liked it because ghar pe ghar walon pe acha asar nahi padta, everybody is not happy with what's happening in the house. Aur us time fir main socha ke yaar main kabhi shaadi nahi karne wala. Aur jaise ki maine bola, mere se zyada younger one was suffering because he was really young. He was like 8 years old, he was what, 6 7. Main तो आई थिंक दैट वाज जस्ट टू सी छोटे भाई को इस तरह इस माहौल में गुजरते, वो मेरे को और भी खराब लगता था. तो आपने जब पहला घर अपनी मम्मी को लेके दिया, दिल्ली में या चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ में लेके दिया. उस टाइम चंडीगढ़ का ही बजट था। So you stayed for that many years with your अपने पापा के साथ. Yeah. तो आपने 5-6 साल almost 7-8 साल नहीं 4-5 साल. 15 या about 3 to 4 years. 4 years I stayed with my dad. आप में आपके आपकी personality को देखकर आप में जरा भी bitterness नहीं नजर आती है मुझे? जी देखिए, हर आदमी में bitterness होती है, but it's important के how you tackle it and how you, because I always feel आपके आस पास वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ योर पीपल अराउंड यू आर पॉजिटिव एंड गुड, आई एम श्योर दैट बिटरनेस विल गो अवे विद योर यू नो जो सेटबैक से आप जो चीज़ें सीखते हैं, तो आई थिंक वो बिटरनेस चली जाती है. तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मामा ताया वगैरह लोग नहीं थे आसपास? नहीं थे. मेरे नाना नानी दे वर ऑन माई मदर्स साइड, माई दादी on my dad's side, so the family was there, but it happens in a lot of families, you know, families don't get along. मैं जिस घर से आया हूँ वो बहुत, हम बहुत बहुत गरीब लोग थे. मेरे पापा 90 रुपीज कमाते थे, but we were very together. सब comical थे, सब funny थे, सब हंसते थे. तो मेरे पिताजी बहुत अच्छी एक बात कहते थे कि अगर इंसान बहुत गरीब हो तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है, और वो खुशी हमने हमेशा महसूस की, और उसके लिए मैं आज भी अपने पापा का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ. कहते हैं ना जी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट, देयर इज नथिंग बिगर देन हैप्पीनेस इन लाइफ. आर यू हैप्पी नाउ? आप खुश हैं इस मौके पर, इस मुकाम पर अपनी लाइफ के? जी मैं खुश हूँ. आई एम हैप्पी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई कुड हैव बीन बेटर, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे, सो आई एम ऑलवेज इम्प्रूविंग एज अ पर्सन. दैट्स व्हाट आई फील, एंड आई एम जस्ट हैप्पी व्हाट आई हैव अचीव्ड फॉर माय फैमिली, फॉर माय कंट्री. And hopefully I can make a difference to the society tomorrow. That's what my aim is. Yuvraj, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां जो हैं
वो क्रिकेटर के प्रति बहुत आकर्षित हो जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा आई एम श्योर हुआ है। जी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां एक्टर्स के तरफ भी बहुत ध्यान देती हैं। अच्छा मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तरफ इशारा किया। बोला नहीं मैंने, मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तरफ इशारा किया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर ये बहुत आपसे मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। आप नहीं नहीं वो सवाल नहीं पूछना चाहता जो मैं आपको लग रहा मैं पूछने वाला हूँ। नहीं, आप जब शादी करेंगे तो आप लव मैरिज करेंगे या मम्मी की पसंद की लड़की ढूंढेंगे? जी उम्मीद तो यही है कि लव मैरिज करूं, पर अब दो बार प्यार हो चुका है और थिंग्स डिडंट वर्क आउट। मुझे पता ही नहीं कौन है वो दो बार जिनसे आपको प्यार हुआ था। हा? हो चुका है हमें भी प्यार। अच्छा लेकिन या थिंग्स डिडंट वर्क आउट और आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जितना भी मैंने लाइफ को पढ़ा है या देखा है, आई थिंक प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे का यू नो अंडरस्टैंड कर सकते, कम्युनिकेट बेटर। प्यार तो आप जिसके साथ शादी करेंगे प्यार तो इवेंचुअली हो ही जाएगा फिर बाद में। तो दिल जब आपका टूटा था वो कितना टाइम लगा उसको रिकवर करने में? I wouldn't say I was heartbroken. Heartbroken होता है जब कोई आपको छोड़ देता है। Eventually, two of my relationships didn't work out. और circumstances ऐसे हो गए कि I couldn't carry on. आप romantic है by nature? मैं बिल्कुल romantic नहीं हूँ। मुझे romance आता ही नहीं है करना। क्या आप बात कर रहे हो? Really? I'm very practical and you know open and I don't know how to. तो आप डू रोमांस, तो अगर जब आपको किसी से मोहब्बत होती है या कोई रिश्ता बनता है तो आप आई लव यू आसानी से बोल देते हैं? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अच्छा? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि तूने मुझे 8 से 10 बारी दिन में आई लव यू बोलना होगा। अच्छा हाँ, तो मुझे लिख के रखना पड़ता अपने फोन पे मुझे कितने बजे आई लव यू उसको बोलना। तो मैं थोड़ा तो जैसे अलार्म बजता था 1 मिनट I love you, huh? I love you. So how are you today? क्या और क्या हो रहा है? But I love you. But I love you. But I love you बोलना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है, but आप कई बारी किसी को नहीं प्यार करते। If you are कई बारी किसी से आप you're not liking that person that day, you are fighting with someone. You don't want to say I love you. Correct. आप किरण जी को कितनी बारी बोलते हो I love you? सर मैं उनको हफ्ते में एक बार बोल देता हूँ। देखा? Exactly, पर वो मुझे बोलती नहीं कि तुम मुझे 6 बार बोलना। वो बोलती नहीं है, पर शुरू शुरू में बहुत बोलता था। आई थिंक शुरू शुरू में लगातार मैं बोलता था, अभी भी बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो 28 साल हो गए शादी को, जब आपकी शादी को 28 साल हो जाएंगे, आज तो सोच के भी घबराहट होती है कि 28 साल में आई विल बी मैरिड टू समबडी। बिल्कुल, मैं तो ये सोच के घबराहट होती है जिसमें मेरी शादी होगी उस दिन क्या होगा। क्या होगा उसको, आपको लगेगा अब तो दुनिया खत्म। दुनिया और फिर 2011 के वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में एक दिन आपको लगा कि आपकी जिंदगी पलट गई। एक्चुअली सिम्टम्स पहले से थे, 1 महीना पहले से। क्या सिम्टम्स थे आपको? मैं साउथ अफ्रीका में खेला था, जोहान्सबर्ग में हमारा मैच था। तो मैच से रात को मैं 3 बजे मेरी जाग खुल गई, मुझे खांसी आई बहुत जोर से। और मैं गया और मैंने थूका, स्पिट किया तो थोड़ा पर्पल रंग का थोड़ा क्लॉट सा आया। तो मुझे लगा शायद कई बारी कोई चीज़ फंस जाती है खाने वाले से, कुछ चीज़ बना रहे, तो मैंने देखा और वापस आके मैं सो गया। मैच के टाइम मुझे याद है मैं खेल रहा था और मैंने 2 रन भागे, तो आई वॉज स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम माई 2nd रन, सांस नहीं आ रही थी। 2 रन आ और भागे उसके बाद तो बिल्कुल सांस नहीं आई। सो लेफ्ट साइड पे आई वाज फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन द लेफ्ट साइड, आई एम नॉट एबल टू ब्रीद प्रॉपरली। वेंट ऑन लाइक दैट फॉर द टूर्नामेंट। मैंने अपने फिजियो को बोला कि मैं आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय ब्रीदिंग, मुझे चेक करना है। तो उसने बोला इंडिया जाके विल चेक। इंडिया जाते ही हमारा कैंप लग गया वर्ल्ड कप का। तो उसने बोला कि लेट्स गो फॉर अ चेकअप। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि छोड़ दे यार, वर्ल्ड कप is on, you know, there's a lot of stress or, you know, focus is on the World Cup. फिर उसके बाद कब आपको, फिर आपने कब करवाया चेकअप? Obviously symptoms खराब होते गए। तो आप खेलते चले गए? मैं खेलता चला गया। पर आपने किसी को apart from manager या physio आपने घर में नहीं बताया, अपने मम्मी को नहीं बताया? मेरी माँ को तो मैं बोलूँ कि
मेरा नाखून कट गया है तो मेरी माँ बैंडेड लेके यहाँ पहुंच जाएगी. अच्छा. तो मैं अपनी मदर को वैसे ही कुछ नहीं बताता. तो बस खेलता गया, सिम्टम्स खराब होते गए. उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद एकदम आईपीएल शुरू हो गई. एंड यू वर डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द सीरीज. यस आई वाज. सो आई वाज इन क्वाइट अ बैड कंडीशन. फिर आपने चेकअप करवाया? नहीं, फिर आईपीएल स्टार्ट हो गया. फिर आईपीएल खेलता रहा. तो मेरी कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी बिकॉज मैं हर एक सेकंड के बाद खांसना चालू कर दिया था मैंने. और तो फिर मेरे एक दो दोस्त ने बोला कि यार तू इतना खांस रहा है, तू अपना चेकअप तो करा ले कुछ. सो आई वेंट टू द क्लिनिक. मेरे स्टमक के थोड़े टेस्ट हुए. कहाँ पे? दिल्ली में. दिल्ली में. तो दे वर एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो मैंने कहा आई थिंक आई एम ओके, आई विल जस्ट गो. तो डॉक्टर ने बोला एक ग्लास, लेट्स डू एन एक्सरे ऑफ योर चेस्ट बिकॉज यू कॉफिंग सो मच. So I did an X-ray. X-ray के बाद I think मैं उस क्लिनिक में गया था अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले जहाँ आपने एक्सरे कराया था. तो मुझे उन्होंने बताया था कि युवराज यहाँ आए थे क्लिनिक में एक्सरे कराने. हाँ. तो एक्सरे कराया. एक्सरे करा के मैंने अपनी चेन वेन वापस डाली. मेरा डॉक्टर बोला आप रुकिए एक मिनट. तो उसके बाद ही टुक मी टू अ रूम. ही सेड आई वांट टू शो यू एक्सरे, समथिंग रॉन्ग. आई सेड व्हाट्स रॉन्ग. आई वाज जस्ट मुझे मालूम है कि मेरे साथ कोई गड़बड़ है. अच्छा. कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है. बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट. आई जस्ट चूज टू इग्नोर इट. और ये आपको एहसास बहुत पिछले दिनों से हो रहा था मुझे. अच्छा. कि सॉलिड गड़बड़ है. अच्छा. बट आई न्यू दैट आई हैड कैंसर. सो आई वेंट टू द रूम. आई सॉ द एक्सरे. आई कुडंट सी माय लेफ्ट लंग. माय गॉड. माय लेफ्ट लंग के ऊपर इतना 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर था. मे बी 12 सेंटीमीटर दैट टाइम. सो एंड माई लंग वॉज अपरूटेड. ऊपर चली गई थी लेफ्ट वाली और उसका थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा था. कुछ नहीं दिख रहा था. सो डॉक्टर ने बोला दिस इज समथिंग रियली सीरियस. माई मदर वॉज एट द क्लिनिक सो आई हैड टू टेल हर. और फिर डॉक्टर ने आपको बताया कि इट्स मेलिग्नेंट. डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेलिग्नेंट है. सेकेंड रिपोर्ट में आया कि शायद मेलिग्नेंट नहीं भी हो सकता. सो यू हैव टू गो फॉर फर्दर टेस्ट. तो जैसे ही मेरे को सुनने में आया कि ये मैलिग्नेंट नहीं भी हो सकता तो मैंने फिर खेलना चालू कर दिया. आई स्टार्ट इग्नोरिंग माई हेल्थ अगेन. आप उस दौरान इस बीमारी से भागने की कोशिश कर रहे थे? जी. हाँ. आई कुडंट एक्सेप्ट दैट अ स्पोर्ट्समैन लाइक मी जो रोज ट्रेनिंग करता है, अच्छा खाता पीता, अच्छा लाइफस्टाइल है, उसको ये चीज़ कैसे हो सकती है. कोई बीमारी होगी, कोई दवाइयाँ खा रहा हूँ ठीक हो जाएगी. इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई थी. आई जस्ट केप्ट इग्नोरिंग इट फॉर अ व्हाइल, केप्ट प्लेइंग इट, बट आई वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स. मेरे भाई को कैंसर था ऑफ द ब्लैडर. और मुझे याद है कि मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की और आई एम वेरी क्लोज टू माय ब्रदर. तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मैं वो कराने गया था अपना टेस्ट वगैरह, तो कुछ एक बड़ा सा कुछ निकला है तो मुझे लग रहा है कि वो गड़बड़ है. एंड देन ही टोल्ड मी कि मुझे कैंसर है, वो इट्स कैंसरस. तो मैं इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं 4 दिन तक मेरी गर्दन ऐसी हो गई थी और मैं शूटिंग नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. और फिर मुझे याद है जब मैं लीलावती हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, हिज यूरिनरी ब्लैडर वाज टू बी रिमूव्ड. और वो लिफ्ट में जा रहे थे ऑन अ स्ट्रेचर और मैं खड़ा था एंड बहुत ब्रेव होने की कोशिश कर रहा था. तो उसने मुस्कुराते मुझे ऐसे किया था एंड दैट वाज द मोस्ट हॉरिफाइंग विजुअल फॉर मी. दैट वाइल वो जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में और वो मुझे ऐसा कर रहा है कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा. तो बीमारी का तो एहसास अकेलेपन का होता है. तो आपको तो अजीब सी पूरी दुनिया. इट वाज हार्ड टू एक्सेप्ट के व्हाट्स हैपेंड. And obviously, my mother's state काफ़ी खराब थी because she was crying and she didn't know what to do and I didn't know what to do. So I was consoling my mother के don't worry, you know, hopefully सब ठीक हो जाएगा. And हमारे गुरु जी, उन्होंने हमें बोला that you know you should go and get your treatment to America. With his guidance, you know, then we decided to go to America for my treatment because I wanted to be away from
you know, all the distractions. Media and other things. So, it was a very difficult step. Because पहले दो तीन महीने तो मैं ignore करता रहा कि मेरे को नहीं जाना, मैं ठीक हूँ. But then one day I sat down and I said that I have to accept that I do have cancer and that's what the report says. Doctor, कितनी बार doctor बोलेगा doctor तेरे को कुछ नहीं पता. So how many times are you not going to accept it? So I had to accept it and it was hard truth of life that maybe you know my life is going to come to an end or maybe my cricket is over. My first thought was that my game's over. My second thought, who's going to take care of my mom? And third is obviously, I'm not really sure whether I'm able to save my life or no, because 14 centimeter was a really big tumor. That means it has gone past the you know, second or the third stage, which I didn't know. And then how many months did you spend in the hospital? I was there for 3 months. वहाँ पर सब हॉस्पिटल वालों को पता था that you are playing for India and all those things. हाँ जी धीरे-धीरे उनको मालूम पड़ गया because मेरे डॉक्टर थे लॉरेंस आइनहोन. उन्होंने लांस आर्मस्ट्रांग का भी ट्रीटमेंट किया था. अच्छा. So he is the best. He is a pioneer in chest cancer. So that's why I wanted to go to the best place. और फिर एक दिन न्यूज़ आई कि आपका आप ठीक हो गए. You are one of the survivors of cancer. Actually, when he did my testing and all, jaake, Dr. Anhorn told me that everything is good. You're going to walk out as a man who never had cancer. And that feeling was a very positive message. Tha. It was good for the family, for my mom, everybody to hear. He said, but you're going to have a lot of complications. You just got to be strong. Logon ka attitude aapke prati badla, jis dauran jaise unko pata laga ki aap... Sabka badal gaya attitude. Sabka badal gaya. सब जो लोग मुझे बोलते थे कि ये सीरियस नहीं है या ये यू नो व्हाटएवर क्रिटिसिज्म और एलिगेशंस सो पीपल अंडरस्टूड दैट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी वाज प्ले फॉर कंट्री एंड नॉट माय लाइफ. अच्छा. और उन 3 महीने में आप में क्या बदलाव आया? बदलाव आई थिंक बिकेम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन बिकॉज इतने हैवी मेडिकेशन से ज़रा था तो इट वॉज मोर टू बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिविटी आई गॉट फ्रॉम माई फेलो इंडियंस जो लोग मेरे लिए प्रे कर रहे थे और चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊँ. सो देर वॉज लॉट ऑफ लव फ्रॉम इंडिया. पूरा हिंदुस्तान आपके लिए प्रे कर रहा था. आपको लगा कि आप ठीक होने के बाद वापस खेल पाओगे? जी मेरे को लगा. आपके अंदर डाउट की फीलिंग आई कि नहीं? डाउट था कि पता नहीं मैं कैसे खेलूंगा आगे. लेकिन आई थिंक द डॉक्टर्स वर प्रीटी पॉजिटिव ओवर देयर. दे सेड कि यू कैन गो बैक एंड प्ले. यू हैव टू ट्रेन वेरी हार्ड. आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे पूरी बॉडी को रिकवर होने के लिए. और बट आई वाज कॉन्फिडेंट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग वेरी हार्ड कि मैं दोबारा आगे खेल सकता हूँ. तो आगे इतना अच्छा नहीं खेला मैं. थोड़ा स्ट्रगल किया मैंने. बट इट्स टेकन अ व्हाइल फॉर माय बॉडी टू गेट बैक. तो आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है? लाइफ में तो कुछ मेरे से बड़ा एक्सपीरियंस आई मीन काफियों को हुआ होगा लेकिन लाइफ में डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. फिर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए. आपने अपना एक फाउंडेशन शुरू किया है. जी. यू वी कैन. जी. YOUWECAN. Yeah. ये नाम कहाँ से सोचा आपने? वहीं पर जब मैं ट्रीटमेंट हो रहा था मुझे था कि मैं लांस आर्मस्ट्रांग की किताब पढ़ी. उन्होंने जो लिव स्ट्रांग शुरू किया फंड, मैं चाहता था कि उसी के बेसिस पे जाके मैं कुछ करूँ बिकॉज आई फेल्ट द पेन. और मैं सोच रहा था कि इंडिया में कितने लोग होंगे जो इस बीमारी से गुजर रहे होंगे. आई थॉट मैं जाके उनके लिए कुछ करूँ. सो आई थिंक यू वी कैन वॉज के you we together can fight this. There was a whole point. पिछले 2 साल में हमने पूरे इंडिया में 1,25,000 डिटेक्शंस किए हैं यू वी कैन के द्वारा. अच्छा. जस्ट ये कोशिश करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े. लोग अपने आगे टेस्ट कराएं उनकी जान बचे. सो आई थिंक दैट्स द इनिशिएटिव यू वी कैन इज टेकिंग. युवराज आपने हमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट दिए, बहुत सारे ऐसे लम्हे दिए जिसमें जिसका कि सार निकल सकता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है.
पर इन सब बातों को छोड़कर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा किस्सा है जिसको देखकर फिर आप कह सकते हैं यार ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. यू नो फॉर मी मीटिंग माय हीरो फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अ वेरी बिग थिंग. जैसे किससे मिले थे? सचिन को मिलना फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर. कहां मिले थे आपको याद है? ड्रेसिंग रूम में था मैं, चंडीगढ़ के ड्रेसिंग रूम में. और आप स्टेडियम किसके लिए खेल रहे थे? मैं तो ऐसे ही अपने फादर के साथ मैच देखने आया था तो मेरे को उन्होंने इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में घुसा दिया. अच्छा. और आई रिमेंबर बीइंग इन द ड्रेसिंग रूम और मुझे याद है सचिन का डायलॉग, उसने मैंने बोला ए छोटू वो बिस्किट देना. तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा मोमेंट था कि मेरे हीरो ने मुझसे बिस्किट मांग लिया, मेरी तो दुनिया ही बदल गई. फिर आप लेके भागे, बिस्कुट लेके दिया उन्होंने आप बिस्कुट? बिस्कुट मैं तो पूरी प्लेट दे दी उनको. मैं कहा सर पूरी प्लेट लीजिए आप. अच्छा. And then obviously playing with him in the dressing room so many years. आपने याद दिलाया उनको कि आप? हाँ, उनको सब बातें याद दिलाई मैंने. अच्छा. तो playing with him so many years, it was special. और जो आपके हीरो थे वो आपके अच्छे दोस्त बन जाए और एक अच्छे इंसान हो तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है. सो उनको मिलके it was a dream come true. अगर आप अपनी लाइफ के अलग अलग दौर से जो सीखे हो, चाहे वो बतौर एक प्लेयर के या बतौर एक इंसान के या बतौर एक कैंसर सर्वाइवर के, अगर आपको उसका निचोड़ निकालना हो और लोगों को कोई सीख देनी हो तो क्या वो सीख होगी? आई थिंक अपने एक्सपीरियंसेस से मैं हमेशा यही बोलूँगा कि हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रहिए और लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. फॉर योर ड्रीम्स ऑलवेज ऑलवेज फील कीप फाइटिंग एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स. आपकी किताब बहुत किताब ने बहुत इंस्पायर किया लोगों को. एक तो मुझे उसकी आपको कॉपी देनी पड़ेगी. मैं आपके लिए किताब लेके आया हूँ, मेरे पास ही होगी कहीं. ये रही यहाँ पर. I've already signed it for you. अरे वाह. Over here. So thank you. I hope you enjoy it. Thank you. The test of my life. ये टाइटल किसने सोचा था? ये आई थिंक मेरा ही टाइटल था कि लाइफ में सबसे बड़ी सीख थी मेरी, सबसे बड़ी जर्नी, सबसे बड़ा टेस्ट मेरी लाइफ का. होपफुली और कुछ ना आए. कुछ नहीं आएगा. तो आई थिंक मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक आई शुड नेम इट टेस्ट ऑफ माय लाइफ. मेरी एक फेवरेट पोएम है जो मैंने इस शो पे आज तक नहीं बोली है, मगर आपको देखकर मुझे उसे बोलने का दिल करता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. Outstanding. दोस्तों मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ बैठी स्टूडियो ऑडियंस को भी सरप्राइज देना चाहता हूँ. आप में से किसी एक इंसान का मैं नाम लूंगा और उन्हें मौका मिलेगा स्टेज पर आकर युवराज और मुझसे बातें करने का. तो देखते हैं आज कौन है वो लकी इंसान. तो युवराज, इसमें हमने सारे जितने भी लोग बैठे हैं उनके नाम डाले हुए हैं. आप किसी एक का नाम निकाल दें और वो हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं. नीता जी नमस्ते. लीजिए, कैसी हैं आप? अच्छे. आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ. बैठिए, आइए यहाँ बैठिए. ये आपका माइक. नीता जी क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ. आपको उम्मीद थी कि आपका नाम आएगा? नहीं नहीं. नहीं थी? नहीं थी. युवराज आपके फेवरेट हैं? Yes. अच्छा. हाँ. क्या अच्छा लगता है युवराज के बारे में? सब कुछ. सब कुछ. और आज जो इन्होंने इतनी अच्छी बातें की. हाँ वही. क्या सीख लिया आपने युवराज से आज? उसका कॉन्फिडेंस, माँ का आशीर्वाद, मेहनत और सब चीज. सब चीज. और क्रिकेट में तो खैर ये वही. क्या बात है इनकी है? हाँ. कोई सवाल है इनसे पूछने के लिए आपके पास? वही, आपका लाइफ में क्या अभी अचीव करना चाहते हैं? लाइफ में आई थिंक अचीव मेरे थोड़े गोल्स हैं क्रिकेट के जो मैं अचीव करना चाहता हूँ. उम्मीद करूँगा कि अगर और मेहनत करूँगा तो कर पाऊँ. और सबसे बड़ा गोल ये है कि यू वी कैन
कि दोबारा लोगों की जिंदगी बचाऊं, उनको अपनी मुकाम पे वापस लाऊं जो वो काम करना चाहते हैं, और उनको हिम्मत दूं कि आप किसी भी बीमारी से लड़के वापस अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? नहीं, आपका भी ये शो बहुत इंस्पायरेशन है सब यंग अचीवर्स के लिए कि लाइफ में आप चाहो और पूरा कॉन्फिडेंस रखो, टैलेंट रखो, तो कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यूवी की तरफ से इनकी पसंदीदा कुछ चीजें हमने एक बॉक्स में आपके लिए गिफ्ट के रूप में डाली हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा यूवी को कि वो आपको दें और आपकी लाइफ का जो आज कुछ भी हो सकता है मोमेंट हो, उसे सफल बनाएं। आइए। ये बैट आप किसको देंगी? आप तो खेलती नहीं होंगी। मेरा लड़का है ना। अच्छा, 12 इयर्स का, वो आया हुआ इधर, बोले ना तो मुझे बोल रहा था के बारे में कि मम्मी मैं तुझे बताऊंगा, तुम ये पूछ ले। आजा बेटा, ये बैट माना ले का नाम है। हाँ, बैट तो बहुत खेलता है क्रिकेट। ये इनकी बेटी है, तो आपके हाथ से बैट मनन को दे देते हैं। मनन नाम भी लिख देता हूँ। हाँ, थैंक यू बेटा। थैंक यू। युवराज, आपके घर में बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, आपने 6 छक्के मारे हैं एक ओवर में, और भी बहुत सारे कमाल आपने दिखाए हैं, मगर हमने अपनी टीम की तरफ से अपने जज्बात इस स्क्रोल पे डाले, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और फिर उसे पेश करना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस स्क्रोल को अपने घर में एक इज्जत का स्थान देंगे। भारतीय खेल जगत के गौरव और उत्साह के प्रतीक युवराज सिंह, आपको आदर और सम्मान। इस समाज के हर उत्सुक खिलाड़ी के लिए आप एक प्रेरणा हैं, आपकी उपलब्धियां एक मिसाल है आपके परिश्रम की, आपका सकारात्मक और जुझारू रवैया हर पीड़ित व्यक्ति के लिए आशीष है। आप खेल के मैदान और अपने निजी जीवन में सफलता और संतुष्टि पाएं, यही हमारी आकांक्षा है। अनुपम खेर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, आज का शो बहुत यादगार है क्योंकि हम पहली बार युवराज सिंह द क्रिकेटर नहीं, हमारे और आपकी तरह एक आम व्यक्ति से मिले। इन्होंने हमें अपने उस जीवन से रूबरू कराया जो शायद क्रिकेट की मुश्किल पर ग्लैमरस दुनिया में कहीं खो गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनसे मिलकर प्रेरणा मिली होगी, और एक खास अपील उन सब लोगों से जो कैंसर से लड़ रहे हैं, कभी हार मत मानना दोस्तों, हम आपके साथ हैं, और पॉजिटिव रहिए क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आपके फादर खुद क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं? जी, मेरे फादर इंडिया के लिए खेले। मैंने सुना आपके पिताजी आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर पानी फेंक देते थे और जगाने के लिए आपको। मेरे पिताजी ने जो मेरे साथ किया है, कोई बाप ने बच्चे के साथ ना ही करे तो अच्छा। फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv, फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.